हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जन्माष्टमी है और आज से मैंने अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी हैं दोबारा से। वीडियो मैं कुछ दिन से नहीं बना रही थी, उसका रीज़न मैंने बताया भी था कि मेरे ससुराल साइड कुछ ऐसा हुआ, तो ऐसा टाइम पर फिर ठीक नहीं रहता है वीडियोस बनाना। और कि फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ दोबारा से। फिर आज का दिन मुझे ठीक लगा कि चलो जन्माष्टमी पर ही मैं स्टार्ट कर दूँ। वैसे जन्माष्टमी पर मैंने फास्ट नहीं रखा है, हर साल मैं रखती हूँ, बट इस बार नहीं रखा क्योंकि ऐसे टाइम पर पूजा पाठ नहीं लगती, आपको वो पता ही होगा आप सब लोगों को। तो बस फिर मैं अभी मैंने खाना खा लिया था, टाइम हो रहा है कुछ ऐसे ही, या मैं तो मैं डेट भी और टाइम भी मैं दोनों चीज़ें भूल जाती हूँ। मैं 2 बजे के आसपास का टाइम है और बस कुछ नहीं, बहुत सुस्ती आ रही थी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला मौसम है, बहुत ही बार काला काला मौसम हो रखा है, बादल आए हुए। तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी तो वीडियो में नहीं बना पाई थी उनको लेकर, क्योंकि मैं वीडियो वैसे भी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कम्युनिटी पर पोस्ट डाल देती हूँ चलो। और आप लोग प्लीज़ उनके चैनल पर जाना और सपोर्ट करना उनको। बाकी आई थिंक काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो चुकी हैं, वो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो चुकी हैं, उनके सब्सक्राइबर्स भी वापस मिल गए हैं उनको। और आई होप, क्योंकि देखिए मेहनत से खड़ा किया होता है चैनल, चाहे हम न्यू क्रिएटर हों या फिर बड़े यूट्यूबर्स हों, सबकी मेहनत होती है कहीं ना कहीं, और एकदम से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इंसान टूट जाता है। वैसे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करी थी, अगर हम चैनल हाइड कर दें तो ऐसा हो जाता है, तो उससे रिलेटेड मुझे ऐसी कुछ वीडियो मिली भी नहीं यूट्यूब पर कि जैसे टेक्निकल चैनल वालों ने अगर बनाई हो तो, बट ऐसा कुछ मिला नहीं था, तो मुझे इतना समझ में नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। नहीं, यूट्यूब की माया, यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब वाले ऐसा क्यों कर देते हैं। तो अब बस अभी तो डेली रूटीन चल रहा है, बट आजकल बॉडी भी पता नहीं अजीब सा रिएक्ट कर रही है मेरी। मैंने बताया था कि आपको कि मेरे पाँव दुखते हैं, और पता नहीं जब भी मैं सवेरे उठती हूँ या फिर मैं बैठकर चलती हूँ तो पाँव बहुत दुखते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं घर पर ही हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, वीडियो तो मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया था, बट आज 12 अगस्त है और अभी जो है मैं कद्दू की तैयारी कर रही थी, तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। हम सरसों का तेल ही मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि अच्छा रहता है बॉडी के लिए, और अभी इसको पहले अच्छे तरह से पकने दूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, उसके बाद मैं सब्जी को तड़का लगाऊँगी। और सब्जी को तड़का बिना प्याज के लगेगा क्योंकि ये सब्जी हम पूजा के लिए यूज़ करेंगे। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था तेल में, और इसके बाद मैंने इसमें कद्दू डाल दिया, चीनी हम एंड में डालेंगे इसमें। तो दूसरी तरफ हम राजमा की तैयारी कर रहे हैं, और राजमा हम टमाटर का तड़का लगाएंगे, इसमें भी प्याज नहीं डलेगा। तो कद्दू हमारा काफ़ी पक चुका है और मैंने इसमें चीनी भी डाल दी थी, लेकिन इस बार कद्दू काफ़ी पानी छोड़ रहा था, तो लास्ट में मैं बिना ढके इसको पका लूँगी ताकि पानी इसका सूख जाए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, गुड मॉर्निंग। तो आज 12 अगस्त है, मैंने कल व्लॉग स्टार्ट कर दिया था जन्माष्टमी पर, तो 2 दिन जन्माष्टमी है, कल भी जन्माष्टमी थी और आज भी जन्माष्टमी है, बट आज 10 बजे के बाद से नवमी स्टार्ट हो गई है। तो नवमी पे जो गुग्गा पीर जी हैं उनको पूजा जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसा, मतलब
पर हमारे यहाँ करते हैं, मेरे ससुराल में भी करते हैं, मेरे मायके में, मतलब हर जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं। और बस अब इस व्लॉग को तो मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी और अभी मैं थोड़ी सी बिज़ी भी हूँ तो वीडियो में शूट नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो जो व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है उसका एंड तो मैं कर दूँ, और शुरुआत कभी ना कभी तो देखिए करनी ही थी, फ़िलहाल मैंने कर दी है और अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूँगी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहना और जुड़े रहना मेरे साथ। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कमेंट करना हो नवमी के रिगार्डिंग, जो मतलब मैंने आपको अभी बात बताई है उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे, मैं ज़रूर बताऊँगी। और आज मैंने कुर्ती डाली है बहुत दिनों बाद, गर्मी तो लग रही है बट मौसम थोड़ा ठीक है तो इतनी भी नहीं लग रही है। तो बस चलिए फिर मैं एंड करती हूँ इस वीडियो का, और खाना मैंने बना लिया है, बस अभी हम पूजा करेंगे फिर हम खाना खाएंगे उसके बाद।